Hello students, in the last video we have studied the LTI system, okay? And we have studied that in LTI system we need to study two types of convolution, discrete time convolution and continuous time convolution. Now in this video we will start with the discrete time convolution, okay? I have already given you the formula for discrete time convolution, okay? Now in this video we will study different types of questions for discrete time convolution, okay? So first question, or you can say first method, okay? In every question I will give you methods, okay? So methods I will discuss by using questions, okay? So the first question is xn and hn, both values are given to you. Xn means input, okay, 1 3 2 4, any value I can take, na? This is just the example, I want to explain you the method, okay? And hn is given to you as 2 3 1 1, okay? So xn and hn both are given to us. Now hame kya karna hai, we need to calculate yn. Hame yahan par yn calculate karna hai, okay? So hame pata hai ki jo yn hota hai wo kya hota hai, aapka xn convolved with hn, theek hai? Ab aapko karna kya hai yahan par, dekhiye yahan par hum log is question ka use karte hue three methods discuss karne wale hain ki how to solve discrete time convolution. To iske three methods hum log seekhenge. To jo method number 1 hai wo sabse easy hai, जिसे हम टेबुलर मेथड के नाम से जानते हैं, ओके? तो टेबुलर मेथड क्या होता है, किस तरीके से इसे यूज किया जाता है yn निकालने के लिए, हम लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं. देखिए यहां पर आप देखिए xn और hn आपको दो इनपुट हैं, दोनों को आप इनपुट की तरह ही ट्रीट करिए, आप किसी को भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो xn क्या है, 1 3 2 4, तो मैं यहां xn लिख रहा हूं 1 3 2 4, ओके? आप चाहें तो xn को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वर्टिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. hn क्या है, 2 3 1 1, तो 2 3 1 1, आप xn और hn दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिएगा. अब देखिए पहली रो क्या है, पहली रो में आपको 2 दिख रहा है, मतलब हर एक वैल्यू को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 6, ओके, 4 8, क्लियर है अच्छे से? तो बेसिकली आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, देन 3 को, देन 2 को, देन 4 को, तो क्या बन गया हमारा, 2 6 4 8. अब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9, ओके, 6 एंड 12, ठीक है? तो 3 into 1 3, 3 into 3 9, 3 into 2 6, 3 into 4 12. अब आपको लास्ट की दो रो में 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 1 3 2 4 1 3 2 4, ओके? नाउ अब क्या करना है, आपको डायगोनल्स बनाने हैं, ठीक है ना? इनपुट जो लिए हैं उसको आपको कंसीडर नहीं करना, अब जो अंदर आपने वैल्यू कैलकुलेट की है सिर्फ उसी पे आपको डायगोनल्स बनाने हैं. तो देखिए आप डायगोनल बनाते चलिए यहां पर, ठीक है? तो ये आपके डायगोनल्स यहां पर बन रहे हैं, ये देखिए जितने डायगोनल्स आपके बन गए यहां पर, हर एक डायगोनल में जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसे आप ऐड करते चलिए. देखिए तो सबसे पहले yn, फर्स्ट डायगोनल में सिर्फ 2 आ रहा है तो 2 लिख दीजिए, सेकंड डायगोनल में 3 और 6 दोनों आ रहा है तो आप लिख दीजिए 9, थर्ड में 9 + 1 + 4 कितना हो जाएगा आपका 14, फोर्थ में देखिए 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, एंड नेक्स्ट देखिए 3 + 2 5, 5 + 12 17, नेक्स्ट देखिए 6, और नेक्स्ट देखिए आप 4, ये आपका आंसर आ गया, ओके? तो इतनी आसानी से हम yn निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टेबुलर मेथड. यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले डिस्कस कर लेने चाहिए. पहला पॉइंट तो ये है, यहां पर कोई एरो मेंशन नहीं है, जब भी एरो कोई मेंशन ना हो तो मतलब आपका एरो किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है. दूसरा पॉइंट यहां पर ये था आपके लिए
कि आप कोई भी मेथड यूज करने से पहले ही आप ये बता सकते हैं कि y n की रेंज क्या होगी और y n में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे. मैंने इंटेंशनली मेथड वन पहले यूज कर लिया ताकि आप वेरीफाई कर सकें. यहां पर देखिए नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 3, 3, 6 एंड 1, 7. टोटल आपके 7 सैंपल्स हैं यहां पर y n में. देखिए आप ये काम पहले ही कर सकते थे. कैसे, देखिए अगर आप बात करें एल एक्स मतलब नंबर ऑफ सैंपल इन x कितने हैं आपके 4. नाउ अगर आप बात करें एल एच नंबर ऑफ सैंपल इन एच कितने हैं आपके 4. तो नंबर ऑफ सैंपल जो y में होते हैं वो होते हैं एल एक्स प्लस एल एच माइनस 1. कितना आ जाएगा आंसर, 7. तो ये किसी भी क्वेश्चन के लिए ट्रू है. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कितने सैंपल्स होने वाले हैं आपके आउटपुट में. उसके अलावा आप ये भी निकाल सकते थे कि जो आउटपुट में n की वैल्यू है वो कहां से कहां होगी. जैसे इनपुट में xn में n इक्वल टू 0 फर्स्ट पोजीशन पे है तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3. तो इनपुट में n की रेंज थी 0 टू 3. hn में भी सेम रेंज थी 0 टू 3. तो अगर आपको दोनों इनपुट दैट इज xn और इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम hn दोनों में अगर आपको n की रेंज पता हो तो दोनों n की रेंज की लोअर लिमिट को ऐड कर दीजिए, दोनों n की रेंज की अपर लिमिट को ऐड कर दीजिए, आपको yn में n की रेंज आ जाएगी. तो आप देख सकते थे यहां पर कि जो आपकी दोनों लिमिट है, ठीक है ना, जो आपके दोनों इनपुट है उसमें n की जो लोअर लिमिट है वो 0 है. तो 0 प्लस 0 0. दोनों इनपुट में n की अपर लिमिट क्या है, 3 है. तो 3 प्लस 3 6. दैट मींस आउटपुट में जो n की लिमिट होगी वो 0 टू 6 होगी. मतलब आउटपुट में भी फर्स्ट पोजीशन पे एरो होगा. n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6. ओके, तो ये काम आप पहले ही कर सकते हैं. मेथड को डिस्कस करने से पहले आपको पता होगा कि आपके आउटपुट में कितने सैंपल आने वाले हैं एंड सेकेंड चीज कि आप में आपके आउटपुट में n की रेंज क्या होगी. ओके, क्लियर है अच्छे से. नाउ यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एज अ ट्रिक भी आप ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कि आप ऑप्शन को देख के भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं अगर ये ट्रिक सेटिस्फाई हो गई तो. देखिए क्या ट्रिक है ये, देखना आप यहां पर. अगर आप समेशन ऑफ xn कर लें, समेशन ऑफ xn का मतलब क्या है, xn में जितने सैंपल दिख रहे हैं सबको ऐड कर लीजिए. तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10. तो समेशन ऑफ xn आ गया 10. अगर आप समेशन ऑफ hn कर लें यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7. तो ये आपका आ गया 7. ओके, अब आप समेशन ऑफ yn कर लीजिए जो आपने आउटपुट कैलकुलेट किया है, कितना हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 14 25, 25 प्लस 18 43, 43 प्लस 17 60, 60 प्लस 6 66 और 66 प्लस 4 70. तो ये आ रहा है आपका 70. तो आप देख सकते हैं यहां पर, देख लीजिए आप यहां पर रिलेशन क्या है, रिलेशन है समेशन xn मल्टीप्लाई समेशन hn इक्वल टू ऑलवेज समेशन yn. मतलब अगर आप समेशन ऑफ xn को समेशन ऑफ hn के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आएगा समेशन ऑफ yn, मतलब 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 70. ओके, तो इससे आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं. और अगर किसी ऑप्शन में मान लीजिए आपके चार ऑप्शन दिए हैं और ये सेम क्वेश्चन होता और एक ही ऑप्शन में अगर समेशन ऑफ yn 70 आ रहा है तो वो करेक्ट होता. ऑब्वियस सी बात है, आपको कैलकुलेशन करने की कोई नीड ही नहीं थी. क्लियर है, सेम क्वेश्चन को आंसर तो आपका सेम आने वाला है. मैं मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर रहा हूं. ओके, मेथड नंबर 2 मेनली क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए यूज नहीं कर रहा हूं मैं, मेनली आपको मेथड नंबर 2 सिखाने के लिए इस क्वेश्चन का यूज कर रहा हूं. क्लियर है पॉइंट अच्छे से. तो मेथड नंबर 2 क्या है, देखिए हमने इंपल्स को फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था. तो इंपल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब अगर आप इंपल्स को कॉन्वोल्यूशन कर दें xn के साथ,
या xn को convolution कर दें impulse के साथ, तो answer क्या होता है आपका, xn, n तो n ही रहेगा, साथ में देखिए impulse पे जो shifting आ रही होगी, कितनी shifting आ रही है, minus n naught, answer आ जाएगा minus n naught, okay? एक और example देख लीजिए इस property का, मान लीजिए आपका xn minus n1 है, और delta n minus n2 है, तो यहां पर देखिए जो x वाला term है वो same रहेगा, n minus n1, अब देखिए इंपल्स में n के साथ कितनी शिफ्टिंग है -n2, तो -n2 लिख दीजिए, क्लियर है अच्छे से। अब यहां पर देखिए मान लीजिए डेल्टा n -n1 है और डेल्टा n -n2 है, तो किसी एक को x मान लीजिए, तो मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले को x ले रहा हूं, तो डेल्टा n -n1 एज इट इज हो जाएगा और यहां पर शिफ्टिंग कितनी है -n2, तो ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है अच्छे से ये प्रॉपर्टी आपको। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम मेथड नंबर 2 को अब सीखेंगे, ओके? तो यहां पर आप देखिए आपको xn और hn क्या गिवन है, 1 3 2 4 2 3 1 1, ओके? तो यहां पर मैं वापस से आपके लिए लिख लेता हूं, xn क्या है आपका 1 3 2 4, ओके, और hn क्या है आपका 2 3 1 1, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो हमने यहां पर xn और hn को लिख लिया, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए ये जो आपके xn और hn आपके पास है, तो xn है क्या, बेसिकली कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो इस तरीके से लिखा हुआ है 1 3 2 4, वो एक्चुअल में क्या है, 0 पर 1, n = 1 पर 3, n = 2 पर 2, n = 3 पर 4, दैट मींस आपके सैंपल्स हैं, इंपल्सेस हैं अलग-अलग n की वैल्यू पर। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप चाहते तो आप xn को इस तरीके से लिख सकते थे, देखिए पहला n = 0 पर क्या है 1, मतलब डेल्टा n, फिर देखिए n = 1 पर क्या है 3, n = 1 पर ना 3 है, मतलब 3 डेल्टा n -1, n = 2 पर क्या है 2, तो 2 डेल्टा n -2, ठीक है, और लास्ट 4 है n = 3 पर, दैट इज 4 डेल्टा n -3, ओके, क्लियर अच्छे से। अब आप देखिए hn को, hn को आप क्या लिख सकते हैं, सेम कांसेप्ट होगा आपका 2 डेल्टा n, ओके, अगला क्या है आपका 3, 3 डेल्टा n -1, अगला है आपका 1 डेल्टा n -2, और लास्ट है 1 डेल्टा n -3, क्लियर अच्छे से। तो यहां पर आपने xn और hn को रिप्रेजेंट कर दिया, अब मुझे इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है, दैट इज xn convolved with hn मुझे परफॉर्म करना है, तो आप देखिए yn, देखिए convolution का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है ना, मतलब आप क्या करेंगे, डेल्टा n को convolved करेंगे इन चारों के साथ, फिर 3 डेल्टा n -1 को convolved करेंगे इन चारों के साथ, एंड सो ऑन, ये आपको करते चलना है, ठीक है। आपने यहां पर प्रॉपर्टी देख रखी है, जितनी टोटल शिफ्टिंग होती है वो यहां पर आ जाती है राइट हैंड साइड में, ओके, जब आप इंपल्स के साथ कॉन्वोल्यूशन करते हैं। तो देखिए मैं पहले डेल्टा n को कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूं hn के इन चारों टर्म्स के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा n, कोई शिफ्टिंग नहीं है, इन दोनों को करेंगे तो 3 डेल्टा n -1, देन डेल्टा n -2, देन डेल्टा n -3, ओके, प्लस अब मैं सेकंड टर्म को कर रहा हूं hn के चारों टर्म के साथ, देखिए 3 × 2 = 6, टोटल शिफ्टिंग कितनी है -1, 6 डेल्टा n -1, अब देखिए क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, -1 - 1 कितना होगा -2, तो डेल्टा n -2, अब देखिए 3 × 1 = 3, टोटल शिफ्टिंग कितनी है n -3, देन लास्ट 3 × 1 = 3, टोटल शिफ्टिंग कितनी है n -4, ठीक है ना, -1 - 3 कितना हो जाएगा -4। नेक्स्ट देखिए अब मैं 2 डेल्टा n -2 को hn के चारों टर्म के साथ कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूं, तो 4 डेल्टा n -2 प्लस 6 डेल्टा n -3 प्लस 2 डेल्टा n -4, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा आपका 2 डेल्टा n -5, ओके। नाउ अब आप देखिए मैं लास्ट 4 डेल्टा n -3 को hn के चारों टर्म के साथ कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूं, तो 8 डेल्टा n -3
12 डेल्टा n माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 डेल्टा n माइनस 5 एंड लास्ट कितना हो जाएगा 4 डेल्टा n माइनस 6. ओके, तो ये आपके सभी टर्म्स आ गए, टोटल आपके 16 टर्म आने चाहिए, है ना. तो अब आप देखिए डेल्टा n क्या रिप्रेजेंट करेगा, y n एट n इक्वल टू 0, n माइनस 1 क्या शो करेगा, y n एट n इक्वल टू 1, डेल्टा n माइनस 2 क्या शो करेगा, y n एट n इक्वल टू 2, ओके एंड सो ऑन. तो अगर मैं अब y n को लिखने के लिए जाऊं यहां पर, तो आप देखिए डेल्टा n वाले कितने टर्म हैं, आप टोटल 16 टर्म्स को देख लीजिए, डेल्टा n का टर्म सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे है, तो कितना हो जाएगा ये 2 कॉमा डेल्टा n माइनस 1 वाले टर्म ढूंढिए, एक यहां पर देखिए 3 है, ठीक है, यहां पर कितना है 6 9, और कोई डेल्टा n माइनस 1 वाला टर्म नहीं है, तो कितना हो गया आपका 2 कॉमा 9. डेल्टा n माइनस 2 वाले टर्म को देखिए, एक यहां पर है आपका 1, एक है 9 10, 10 प्लस 4 14, ठीक है, और कोई n माइनस 2 वाला टर्म नहीं है आपका, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है. क्लियर है तक अच्छे से. नाउ नेक्स्ट टर्म को देखिए, डेल्टा n माइनस 3 वाला, यहां पर देखिए 1 है सेकेंड रो में, यस 3 है, 3 प्लस 1 4, और देखिए थर्ड रो में आपका 6 है, तो 6 प्लस 4 10. नाउ नेक्स्ट रो में आपका 8 है, 10 प्लस 8 18, तो आपका टोटल जो टर्म है वो है 18, तो n की वैल्यू 3 पर आ जाएगा 18. नाउ n की वैल्यू 4 ढूंढिए, देखिए फर्स्ट टू रो में तो n की वैल्यू 4 नहीं है, थर्ड रो में क्या है 3, देन फोर्थ रो में 2 है, तो 3 प्लस 2 5, और फोर्थ रो में 12 भी है, तो 12 प्लस 5 17, तो पूरा टर्म आपका क्या आ जाएगा यहां पर 17. नाउ n की वैल्यू 5 को देखिए, फर्स्ट टू रो में n की वैल्यू 5 नहीं है, थर्ड रो में भी नहीं है, फोर्थ रो में देखिए 2, एंड फिफ्थ रो में कितना है आपका 4, तो 2 प्लस 4 6. नाउ n की वैल्यू 6 देखिए, ये आपका n की वैल्यू जो 6 है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट रो में है, और कितनी वैल्यू है आपकी 4, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया. अब आप चेक कर लीजिए क्या ये सेम आया जैसा मेथड 1 में आया था. मेथड 1 में देखिए क्या आया था आंसर, 2 9 14 18 17 6 4, तो यहां पर देखिए 2 9 14 18 17 6 4, एब्सोल्युटली राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है मेथड नंबर 1 से और मेथड नंबर 2 से. क्लियर है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा मेथड नंबर 3. ओके, तो मेथड नंबर 2 जो आपने अभी तक स्टडी किया है उसमें आपने इंपल्स की कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का यूज किया था, मेथड नंबर 1 में आपने टेबुलर मेथड का यूज किया था, अब 3 में हम यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड. ओके, तो ये ग्राफिकल मेथड आपका क्या होता है इसे हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे मेथड नंबर 3 में. तो यहां पर मैं आपके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं y n का. ओके, तो y n जो है आपका वो क्या है, समेशन k इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट x k h ऑफ n माइनस k. ओके, तो इस फॉर्मूले का भी यहां पर यूज होने वाला है. आप देखिए सबसे पहले मैं एक्स एन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, तो एक्स एन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा आपका. एक्स एन क्या है एक्चुअल में आप देख लीजिए, पहले एक्स एन है 1 3 2 4, दैट मीन्स आपको 0 पर ड्रॉ करना है 1. ओके, देन 1 पर क्या ड्रॉ करना है आपको 3, देन आपको ड्रॉ करना है 2 पर 2, देन 3 पर आपको ड्रॉ करना है 4. ओके, ये ड्रॉ हो गया मेरा एक्स एन. एच एन आपका क्या है, एच एन है आपका 2 3 1 1, 2 देन 3 देन 1 1. ओके, तो हमने यहां पर एक्स एन और एच एन ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमें यहां पर एक्स के चाहिए, समेशन के का है, तो हम क्या करते हैं पहले एक्स के ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहां पर कुछ हो नहीं रहा है, बेसिकली आपका समेशन का जो वेरिएबल है सिर्फ वो चेंज हो रहा है. तो यहां पर भी क्या होगा, जो एक्स एन है उसकी जगह आप रख देंगे एक्स के, और यहां पर एन की जगह क्या रख देंगे आप, के रख देंगे. तो आप यहां रख सकते हैं डायरेक्टली के और के,
वैल्यू में आपका कोई चेंज नहीं आ रहा है. सिमिलरली h ऑफ n माइनस k हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अगर मैं पहले एच के निकाल लूं, ओके तो ये मेरा निकल जाएगा एच के वर्सेस के. अब मुझे कैलकुलेट करना है h ऑफ n माइनस के, तो हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे h ऑफ माइनस के. ओके h ऑफ माइनस के मतलब ये आपका y एक्सिस के रेस्पेक्ट में पलटी खा जाएगा, ठीक है. मतलब जीरो पर तो आपका टू ही रहेगा, माइनस वन पर क्या हो जाएगा थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, इन पे क्या हो जाएंगे आपके वन और वन, ठीक है. पर मेरा टारगेट जो था वो h ऑफ n माइनस k कैलकुलेट करने का था. तो यहां पर अगर मैं आपके लिए h ऑफ माइनस k में प्लस n कर दूं, तो एक्चुअल में ये क्या आ जाएगा h ऑफ n माइनस k. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जहां जहां मुझे k की वैल्यूज दिख रही थी वहां पर मैं हर एक पॉइंट पे n से ऐड कर दूंगा. ओके तो जीरो प्लस n, नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस n. ओके नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका माइनस टू प्लस n. ओके और लास्ट क्या आ जाएगा आपका माइनस थ्री प्लस n. ओके तो हर एक पॉइंट पे जो मेरे पॉइंट्स थे ना k के h ऑफ माइनस k में, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो हर एक पॉइंट पे मैंने यहां पर क्या कर दिया प्लस n कर दिया. क्लियर है अच्छे से. नाउ अब हमारा टारगेट क्या है, हमारे पास देखिए xk आ गया और हमारे पास h ऑफ n माइनस k आ गया. हमें क्या करना है, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और समेशन परफॉर्म करना है फॉर k की रेंज माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट. ओके तो यहां पर ध्यान से समझिए, हमें यहां पर कैलकुलेट एक्चुअल में क्या करना है yn, और n की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू 6. तो मैं सबसे पहले यहां पर y0 निकाल रहा हूं, ठीक है ना, हमें y0 से y6 तक कैलकुलेशन करना है. तो मैं सबसे पहले आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं y0. तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए जब आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी आपको y0 मिलेगा. जैसे ही आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे आपका डायग्राम ये हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो जाएगी सब जगह, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3. तो n की वैल्यू 0 पर आप देखिए xk और h ऑफ n माइनस k को अगर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, सैंपल बाय सैंपल, और उन सारे वैल्यूज को ऐड कर दें तो आपका y 0 आ जाने वाला है, ठीक है ना. तो देखिए n की वैल्यू 0 पर, यहां पर h ऑफ n माइनस k में क्या है 2, और n की वैल्यू 0 के लिए जो आप एनालिसिस कर रहे हैं xk में 0 पर कितना है आपका 1. बाकी देखिए दोनों फिगर में आप ध्यान से देखिए, 0 के अलावा और किसी k की वैल्यू के लिए सैंपल्स कॉमन नहीं है आपके लिए. देखिए यहां पर 0 पर 2 है, यहां पर 0 पर 1 है, बाकी यहां पर k की वैल्यू 1 2 3 के लिए सैंपल अवेलेबल है, और यहां पर k की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 के लिए सैंपल अवेलेबल है. तो आपका और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है k की 0 के अलावा. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 0 पे 2 0 पे 1 कितना आ जाएगा 2, तो y0 आपका 2 आ जाएगा, और कोई आपका अवेलेबल ही नहीं है सैंपल. y1 देखिए, y1 के लिए क्या हो जाएगा, मैं आपके लिए दो तीन स्टार्ट के एनालिसिस में फिगर बना देता हूं. देखिए xk तो सेम रहेगा, h ऑफ n माइनस k कैसा बन जाएगा आपका, देखिए आप यहां पर जब आप h ऑफ क्या बनाएंगे 1 माइनस k. ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 पे 2 हो. ओके तो आप 1 पे 2 कर दीजिए, 1 पे आ गया आपका 2. नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना. आपको हर एक पॉइंट पर n की वैल्यू 1 पुट करनी है बस, ठीक है. तो आपका 0 पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. नाउ ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2. तो आपका माइनस 1 और माइनस 2 दोनों पर क्या आ जाएगा 1 1. अब आप देखिए h ऑफ 1 माइनस k एंड xk में कौन कौन से k की वैल्यू कॉमन है जिस पे सैंपल अवेलेबल है. देखिए xk में सैंपल अवेलेबल है 0 1 2 3 पर, और h ऑफ 1 माइनस k पे अवेलेबल है माइनस 2 माइनस 1 0 एंड 1 पे. तो 0 एंड 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है ना. क्लियर अच्छे से. तो 0 पर यहां पर कितना है 3, और xk में क्या था 0 पर 1. ओके
तो आप क्या लिखेंगे y1 में सबसे पहला पॉइंट 3 into 1 प्लस यहां पर h of 1 minus k में 1 में क्या है 2 xk में 1 में क्या है 3 तो क्या लिखेंगे आप 3 into 2 ओके तो ये आंसर आ गया आपका 9 तो y1 आ गया आपका 9 ओके क्लियर है अच्छे से अब सेम मैं y2 आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं यहां पर y2 के लिए मैं फिर से फिगर बना रहा हूं हमें फिगर सिर्फ h of n minus k का ही बार-बार मॉडिफाई करना है तो ये हो जाएगा h of 2 minus k ओके देखिए अब आपको क्या करना है n की वैल्यू 2 पुट करनी है ओके तो ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा ये 2 हो जाएगा पॉइंट ये क्या हो जाएगा 1 ये 0 और ये -1 मतलब -1 से लेके 2 तक जाएगा आपका ओके ठीक है तो आप ड्रॉ कर लीजिए -1 पे 1 ओके नेक्स्ट क्या हो जाएगा आप देखिए -1 के बाद 0 पर क्या आ जाएगा 1 ओके तो 0 पर भी सेम है आपका 1 1 पर कितना हो जाएगा 3 ओके और 2 पर कितना आ जाएगा आपका 2 क्लियर है अच्छे से अब हमें क्या करना है यहां पर हमें इस h of 2 minus k वाले फिगर को मल्टीप्लाई करना है xk वाले फिगर के साथ सैंपल बाय सैंपल तो देखिए xk में 0 1 2 3 पर सैंपल अवेलेबल है इसमें कहां-कहां अवेलेबल है -1 0 1 2 पर तो 0 1 2 दोनों में कॉमन है तो देखिए यहां पर 0 पे क्या है 1 और xk में 0 पे क्या है 1 तो y2 का स्टार्ट कहां से करेंगे आप 1 into 1 से प्लस यहां पर 1 पे क्या है 3 xk में 1 पे क्या है 3 ठीक है तो 3 into 3 यहां पर 2 पे क्या है 2 और xk में 2 पर क्या है अगेन 2 ठीक है तो 2 into 2 तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 1 plus 9 plus 4 तो कितना हो गया आंसर आपका 14 क्लियर अच्छे से सेम मैं आपको y3 भी यहां पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूं y3 के लिए आपके लिए h of 3 minus k का फिगर बन जाएगा ओके तो ये फिगर कैसा हो जाएगा देखिए आपको n की वैल्यू हर जगह क्या पुट करनी है 3 पुट करनी है तो ये 3 minus 3 0 this is 1 this is 2 this is 3 तो 0 to 3 चला जाएगा आपका ठीक है ना तो आप ड्रॉ कर लीजिए 0 पे 1 then 1 पे 1 then 2 पर 3 and 3 पर ओके अब आप देखिए 0 1 2 3 पर h of 3 minus k में भी है और 0 1 2 3 पर xk में भी है तो 0 पर यहां पर क्या है 1 और यहां पर भी 0 पर क्या है 1 तो y3 क्या हो जाएगा आपका 1 into 1 ठीक है प्लस 1 पर यहां पर क्या है 1 और 1 पर xk में क्या है 3 तो क्या हो जाएगा आपका 1 into 3 2 पर यहां पर क्या है 3 और 2 पर आपका xk में क्या था 2 तो आप क्या लिखेंगे 3 into 2 3 पर यहां पर क्या है 2 और 3 पर xk पे क्या था 4 तो आप क्या लिखेंगे यहां पर 4 into 2 तो आंसर क्या आ गया y3 का आपका 1 plus 3 plus 6 plus 8 ठीक है तो आंसर क्या आया हमारा 8 plus 6 14 14 plus 3 17 plus 1 18 ओके तो ये हमारा आ गया y3 क्लियर है अच्छे से तो आप पहले एक बार आंसर को मैच करिए जो आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं क्या वो लास्ट टू मेथड से मैच हो रहे हैं अभी तक एक बार करके देखते हैं हम लोग y3 18 है y2 14 है देन आपका y1 9 है ठीक है और y0 आपका 2 है तो आप देखिए यस y0 2 है y1 आपका 9 आया था y2 आपका 14 और y3 आपका 18 तो बिल्कुल आंसर आपके मैच हो रहे हैं ठीक है तो ग्राफिकल मेथड भी आपको सेम आंसर देने वाला है जो आपको मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 से मिला हुआ है ओके तो अब अगर आप ने जो यहां तक कैलकुलेशन किया है अगर उसको आप एनालाइज करें तो बेसिकली हो क्या रहा था आपका हो ये रहा था कि आपका xk और h of n minus k वाला जो फिगर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और n की अलग-अलग वैल्यू जब आप h of n minus k वाले फिगर में पुट करते हैं तो वो आपका फिगर लगातार शिफ्ट होता जाला जा रहा है ओके वो आपका फिगर जो है पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है ठीक है तो हो क्या रहा है आपका आपका फिगर जो है xk को क्रॉस करता चला जा रहा है
xk को उसने पहले एक एंड से xk की तरफ उसने एंटर किया, फिर xk के सैंपल बाय सैंपल मल्टीप्लाई करता चला गया, फिर n की वैल्यू लगातार चेंज होने से वो xk को लगातार क्रॉस करता चला गया। ओके जैसे सपोज करिए जब आप यहां पर n की वैल्यू लास्ट माने 6 पुट कर देंगे तो यहां पर क्या-क्या आ जाएगा आपका 3 4 5 6 क्लियर है ना। देखिए xk को लगातार वो क्रॉस करता चला जा रहा है xk के सैंपल्स को। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफिकल मेथड होता है और इस तरीके से आपका कॉन्वोल्यूशन होता है। मल्टीप्लिकेशन तो है लेकिन लगातार क्रॉस करते हुए। ओके क्लियर है अच्छे से। नाउ अब आपको क्या करना है, हमने यहां पर y0 y1 y2 y3 कैलकुलेट कर लिया है, अब आपके लिए y4 y5 और y6 इस ग्राफिकल मेथड से होमवर्क है। आपको सबकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है लेकिन अगर कोई वैल्यू आपकी रॉन्ग आए या इस मेथड में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए। ओके और इसके अलावा भी जो मेथड हमने दो और पढ़े हैं उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर सेम क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑलवेज यूज मेथड 1, बट सब्जेक्टिव के लिए जनरली मेथड 1 को फॉलो मत करिए। ओके नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का एनालिसिस कंटिन्यू रखेंगे और भी नए मेथड्स स्टडी करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके गुड बाय।